चीन ने एक बार फिर से भारत को युद्ध के लिए उकसाने वाली हरकतें शुरू कर दी हैं, क्योंकि पूर्वी लद्दाख में चीन ने फिर से मिसाइल सिस्टम तैनात तो कर दिया, साथ ही उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उसने उत्तराखंड के चमोली इलाके के पास के बाड़ाहोटी में अपने 100 सैनिक भेज दिए और कई इंफ्रास्ट्रक्चर को तहस नहस कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइनीज आर्मी ने इलाके में बने पुल को भी तोड़ दिया। बता दें कि अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स में खबर छपी है कि पीएलएस सैनिक भारतीय इलाके में घुसे, तोड़फोड़ की और उसके बाद वापस चले गए। ये पहली बार नहीं है कि चीन लद्दाख के अलावा उत्तराखंड की तरफ से भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहा है, वो पहले भी कई बार ऐसा कर चुका है। जाहिर है कि चीन की ऐसी हरकतें भारत के लिए खतरे की घंटी बजा रही हैं, क्योंकि एक तरफ भारत पर तालिबान की बढ़ती सक्रियता का भी दबाव है और चीन इसी बात का फायदा उठाकर सीमा पर अपनी गतिविधियां लगातार बढ़ाते जा रहा है। चीन के सैनिकों की गतिविधियों की जानकारी लगते ही अधिकारी हरकत में आ गए। सीमा क्षेत्र में पड़ोसी देश की गतिविधियों को देखते हुए खुफिया एजेंसी भी सक्रिय हो गई है। खुफिया एजेंसी को बाड़ाहोती के पास एयरबेस पर चीनी गतिविधि का इनपुट दिया गया है। खबर ये भी है कि पिछले साल लद्दाख में सीमा पर संघर्ष के बाद LAC पर PLA ने अपनी मौजूदगी बढ़ा दी है। ऐसे में चीन पर भरोसा करना मुश्किल होता जा रहा है। बता दें कि बाड़ाहोती का इलाका भारत के लिए इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1962 के युद्ध से पहले चीन ने इसी इलाके में घुसपैठ को अंजाम दिया था और ये अंजाम भारत और चीन के युद्ध तक पहुंच गया था। स्पेशल रिपोर्ट, जनहित टाइम।